इंदौर की पंचवटी कॉलोनी में चल रहे दो दिवसीय श्री रामचरित महायज्ञ के समापन में हजारों भक्तों ने हिस्सा लिया और पूर्णाहुति देकर विश्व कल्याण एवं विश्व शांति की कामना की। 4 मार्च से लगातार 26 घंटे तक चलने वाले श्री रामचरित मानस महायज्ञ में यज्ञ स्थल को अयोध्या की तर्ज पर सजाया गया था। यज्ञ स्थल पर रामायण की चौपाइयों के साथ यज्ञ में आहुतियां दी गई, वहीं रामायण के चित्रों की चौपाइयों के साथ प्रदर्शनी भी लगाई गई। आयोजन के समापन के अवसर पर कैबिनेट मंत्री सिलावट, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर एवं शहर अध्यक्ष गौरव रणदेवे के साथ शहर के हजारों भक्त भी शामिल हुए। आयोजक कैलाश चौहान, भाजपा जिला मंत्री ने बताया कि महायज्ञ में निर्मोही अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता परम पूज महंत श्री सीताराम दास जी महाराज विशेष रूप से पधारे थे। मंत्रोच्चारण और हवन आहुति से समस्त परिवेश भक्तिमय हो गया था। प्रसाद स्वरूप भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया, साथ भगवान से मनोरथ पूर्ति के लिए प्रार्थना की। वहीं पूरा क्षेत्र भगवामय होने के साथ जय श्री राम का उद्घोष लगाया गया। ये हमारी कॉलोनी के कैलाश जी चौहान ने गत वर्ष एक संकल्प लिया था कि जिसमें मास पारायण विधि से प्रत्येक दिन रामायण को पढ़ना, तो 1 मार्च को संकल्प पूर्ण हुआ है। तो उसकी पूर्णता के लिए जब संपूर्ण हुआ तो एक श्री रामचरित्र मानस महायज्ञ का यहाँ आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी जो आप लोगों ने बाहर देखी, वास्तव में ये अपने आप में एक अद्भुत संकल्प लिए हुए उस प्रदर्शनी के माध्यम से बताया गया है कि राम का जीवन किस प्रकार से हमें प्रेरणा दे सकता है। तो भगवान राम के जन्म से लेकर रावण का वध और लव कुश का जन्म, वहाँ तक की सारी उस प्रदर्शनी के माध्यम से हमने उनका जीवन समझाया है। दूसरा, उस संकल्प की पूर्ति के साथ आसपास के जो हमारे बस्ती क्षेत्र में रहने वाले जो परिवार हैं, वे सभी भगवान राम से जुड़ें ऐसा प्रयत्न किया गया है, और जुड़ने के साथ एक प्रसादी का, महाप्रसादी का आयोजन किया गया है। उसमें यहाँ पर रहने वाले जितने भी बस्ती के क्षेत्र हैं, परिवार हैं, उनको व्यक्तिगत आमंत्रण दिया गया है, आमंत्रण के माध्यम से बुलाया है। और यहाँ आप देखेंगे पीछे की ओर जो भंडारा चल रहा है, इसमें मातृशक्ति भी परोसगारी कर रही है। परिवार के लोग परिवार में भोजन करने आए, इस भाव को ध्यान में रखते हुए अलग अलग हमने व्यवस्था की है कि अलग अलग गाले बनाएं, कि जिसमें एक गाले में 60 लोग बैठेंगे, इस प्रकार से कुल 32 गाले यहाँ बने हुए हैं। और ये प्रयत्न किया गया है कि यहाँ आया जो भी भक्त है वो प्रसाद इस भाव से ग्रहण करे जिस प्रकार से माँ उसको घर में भोजन कराती है। तो यहाँ सभी कार्यकर्ता की जो हमारी टीम लगी है इसी भाव से लगी हुई है, और बहुत अच्छे से सभी लोग यहाँ प्रसादी ग्रहण करते हुए जा रहे हैं। और इस आयोजन के माध्यम से हमारा जो पूरा क्षेत्र है, ये वास्तव में जिस प्रकार भगवान राम की पंचवटी थी उसी प्रकार का दृष्टिगत हो रहा है। प्रत्येक परिवार में हमने प्रयत्न किया है कि प्रत्येक घर पर यहाँ राम पताका, भगवा ध्वज लहराया जाए। तो इस प्रकार से प्रत्येक घर में हमने ध्वज दिया और लोगों ने अपने हाथों से अपनी छतों पर ध्वज लगाया और उसके चित्र भी हमें भेजे। तो इस आयोजन के माध्यम से भगवान राम का जो जीवन है सभी के मन में बसे, इस प्रकार का एक प्रयत्न किया गया था। और वास्तव में कैलाश जी का जो संकल्प था इसका लाभ काफ़ी लोगों को मिला है। जय श्री राम। मुकेश शर्मा। आज का जो आयोजन हो रहा है वो ये रामचरितमानस जी का महायज्ञ हुआ है, उसके महाप्रसादी के लिए हमने लोगों को आमंत्रित किया है, इसको हम भंडारा भी बोल सकते हैं। पर वास्तव में जैसे रामचरितमानस महायज्ञ का अनुष्ठान हुआ, भगवान की प्रसाद प्रत्येक व्यक्ति को मिले, भगवान की आशीर्वाद सबको मिले, इस भाव के साथ हमने यहाँ एक महाप्रसादी का आयोजन किया है। इसके पूर्व लगभग 25 से 26 घंटे का हमने यज्ञ किया हुआ। तो यज्ञ का एक विशेष बात ये रही, वैसे तो होता है लेकिन मैं आपको बता दूं कि रामचरितमानस जी की प्रत्येक चौपाई की आहुति हुई है, तो एक समय लगता है उसमें। 25 से 26 घंटे का वो यज्ञ हुआ है, उसमें सारी चौपाइयों की आहुति हुई है। और ये करने के पीछे हमारा ये उद्देश्य था कि विगत वर्ष हमारे यहाँ पर भागवत जी का आयोजन हुआ था पंचवटी परिवार की तरफ से, तो पूरी कॉलोनी के लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। मैं भी वहाँ आता जाता था, तो कहीं ना कहीं मैं भी अंश था उसका। मुझे अच्छा लगा वहाँ जाके मैं, और महंत सीताराम दास जी महाराज जो है निर्मोही अखाड़ा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं आप, और राम जी के परम भक्त है, और मैं भी भगवान से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। तो उनको हमने देखा कि वो ऐसे इतने तपस्वी है, तो क्यों ना हमको भी एक आम व्यक्ति को, अगर मान लो कोई जैसे राम सेतु बन रहा था तो कोई पहाड़ ला रहा था तो एक छोटी सी गिलेत्री, छोटी सी बालू भी ला के रख रही थी, तो हम अपने जीवन में छोटे छोटे तब कर सकते हैं क्या, ऐसा मेरे मन में भाव आया। तो मैंने सोचा कि मैं अब रामचरितमानस जी का पाठ 1 वर्ष तक के लिए करूँ मास पारायण विधि से, तो वो तो यूँ भी हो जाता है। हमने उसमें
एक चीज़ ये जोड़ दिया कि भाई मैं जब तक ये पाठ चलेगा जब तक मैं बाहर का कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं, घर का ही खाऊंगा, घर पे खाऊंगा और घर का ही खाऊंगा। यदि घर से बाहर किसी ज़रूरी काम से हूँ तो मैं मेरे साथ में मेरा पानी और जो भी खाने पीने का सामान रखूँगा, अन्य जगह नहीं खाऊँगा। तो ये इस कारण से हमने चालू किया था और आज उसका भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से पूर्ण हुआ है और सारे लोग महाप्रसादी ग्रहण कर रहे हैं और पूरी टीम ने रामचरितमानस जी का ये अनुष्ठान जो हो रहा था, ये पंचवटी परिवार हमारे संगठन के लोग, संघ के लोग, सारे लोगों ने बैठ के या तीन बैठकें की है, 100-150 कार्यकर्ताओं की, और सभी को कार्य बांटे हमने अलग अलग कि भाई तुम मीडिया का काम देख लेना या तुम अपना लोगों को निमंत्रण देने का देख लेना, तुम सफाई का देख लेना, ऐसे सब अलग अलग कार्य हमने बांट दिए। तो आज वो सारी टीम यहाँ काम कर रही है तो ये कार्य बहुत सुचारू रूप से चलेगा, इसकी मेरे को पूरी उम्मीद है और आपको आश्वस्त करता हूँ ये एक बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा यहाँ पर। इनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है और पिछले बार कब से? भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से हो रहा है, राम जी का ही काम है। कितने वर्षों से आपका ये काम? नहीं, ये पहला वर्ष ही है हमारा। क्या कहेंगे, कोरोना से अब निकले हैं हम लोग? हाँ, धार्मिक अनुष्ठान भी शुरू हो गए कहीं ना कहीं, भगवान की कृपा से ही कोरोना से निकले मान के चलो आप। अन्य देशों में हमने देखा है लोगों की स्थिति और भारत में भी हमने देखा है, हम संसाधनों में इतने कम थे उसके बावजूद भी मोदी जी का इतना प्रबल नेतृत्व है कि हम देख रहे हैं हमारे यहाँ उतनी समस्या नहीं आई है। सारी चीज़ें जो जो लगी कोरोना काल में भी आप देखते हैं कि जो गैस लगा था हमने हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से भी गैस पहुँचाया, ट्रेन से भी पहुँचाया हमने। तो हमारा नेता इतने मजबूत है, लोगों के प्रति इतनी उनके भाव है, तो ये मान के चलो कि कोरोना का तो इतना कुछ नहीं है और भगवान की कृपा होगी तो पूरी उम्मीद है कि मुझे आप ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। महाप्रसादी ली है, कितने लोगों ने लगभग आज महाप्रसादी अभी आरंभ हुई है, हमने लक्ष्य रखा है 12,000 लोगों का कि 12,000 लोग समथिंग इसमें जो है आसपास के सारे लोग यहाँ पहुँचेंगे और भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे। जो लोग आज के समय में धार्मिक अनुष्ठान से दूर रहते हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? करना चाहिए क्योंकि धर्म हमारे जीवन में होना ही चाहिए। हम धर्म से जैसे जैसे दूर होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे अंदर आधुनिकता आती जा रही है और आधुनिकता जब ज़्यादा आ गई है ना तो जो हमारे आज पुराने जो हमारे संत महात्मा थे उनके जीवन 100-100 साल के, 150-150 साल के थे, उनके ऐसे कई प्रकल्प थे जीवन के, वो उसको उसके साथ जीते थे। आज हम उन चीज़ों के साथ नहीं जी रहे, आज हम सिर्फ मोबाइल के साथ ही जी रहे हैं, उठा मोबाइल, सोया मोबाइल, चल रहे मोबाइल उसके साथ में ही है। इस चीज़ों का सदुपयोग भी किया जा सकता है। तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी परिवारों से एक विशेष आग्रह ये रहेगा, हाथ जोड़ के निवेदन रहेगा कि अपने घर के बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ कराने के लिए प्रेरित करें और धर्म से जोड़ें। अगर हम हर घर अपने घर के बच्चों को अगर मान लो कि ये धर्म से जोड़ देगा तो पूरा देश सुधर जाएगा, हमको इसके अलग से लिए कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका परिचय? मैं कैलाश चौहान हूँ और वर्तमान में संगठन में भारतीय जनता पार्टी जिला इंदौर का महामंत्री हूँ।